है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। और समर्स के मौसम में स्किन को, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन पर चमकता निखार हो, स्किन ग्लोइंग हो जाए, शाइनी हो जाए, स्पॉटलेस हो जाए, तो इस DIY रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इसके पहले ही उससे आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप इसे डेली लगाना यूज़ करोगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, नेचुरल है, स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस DIY रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक क्लीन बोल। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ग्राम फ्लावर यानी बेसन। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कर लीजिए। बेसन स्किन से दाग धब्बे, झाइयाँ, डार्कनेस, टैनिंग को रिमूव करेगा, स्किन को स्पॉटलेस और ग्लोइंग बनाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर लिया। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे दाग धब्बे कील मुहासे दूर होते हैं। तो आपको 1/4 चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर लेनी है। हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, आपकी स्किन को स्पॉटलेस और ग्लोइंग बनाएगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। 3 से 4 चम्मच आप इसमें कच्चा दूध ऐड कर लीजिए। कच्चा दूध स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपके स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा और साथ ही साथ स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकती हैं या फिर आप इसमें दही भी ऐड कर सकती हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लीजिए। ये एक एज अ DIY फेस वॉश की तरह भी काम करेगा। मार्केट की महंगे महंगे फेस वॉश यूज़ करने की बजाय अगर आप घर का बना ये नेचुरल यूज़ करोगे तो स्किन को कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो आप इसे एज अ फेस पैक या फिर एज अ DIY फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा DIY पैक एकदम रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है। जैसे आप फेस वॉश करने के लिए मसाज करते हैं वैसे ही आपको इसके मसाज करनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर सकते हैं अगर आप एज अ फेस वॉश की तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फेस पैक की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। उसके बाद जब यह पैक अच्छे से सूख जाए, कम से कम 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेना है। इसके पहले ही उससे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है गाइज, मैं आपको गारंटी देती हूँ। बहुत ही नेचुरल DIY फेस पैक है, DIY फेस वॉश है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और क्लियर नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ भी फील कर रही है इसके पहले यूज़ से। तो आप इस DIY फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे डेली भी यूज़ करें। डेली यूज़ करने से भी कोई हार्म नहीं होगा। जब भी फेस वॉश करें इसे एज अ फेस वॉश की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।